दिस इज़ एक्चुअली प्रिटी गुड फॉर द मोस्ट पार्ट। जब आप घर से काम सबमिट करवा रहे होते हैं तो उसमें प्रेजेंटेबिलिटी का भी एक एस्पेक्ट आता है कि आप जिस वक्त अपना काम सबमिट करवा रहे हैं उस वक्त आप एक हद तक उससे सेटिस्फाइड हैं और आपको लगता है कि एक प्रेजेंटेबल स्टेज तक आ गया है तो आप उसे सबमिट कर रहे होते हैं। इन दैट सेंस आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव डन रियली वेल। अभी जिस तरह की सिचुएशन है उसको जहन में रखते हुए आप लोगों का काम देख के ये लग रहा है कि आप लोगों ने अपना बेस्ट आउटपुट दिया, विच आई थिंक इज़ ग्रेट। और क्वालिटी ऑफ वर्क भी काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है और कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करूँगा, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी ड्राइंग्स का जो सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है इसके बारे में मैं ये चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि ये सिलेक्टेड ड्राइंग्स हैं लेकिन इनको किसी ख़ास ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया। और मैं अगर आप लोगों की ओवरऑल क्लास की ड्राइंग्स के बारे में कोई क्रिटिक कर रहा हूँ या ये कि कोई पॉजिटिव बात कर रहा हूँ तो वो एक जनरल वे में कर रहा हो सकता हूँ। मैंने ये सीक्वेंस इस तरह अरेंज नहीं किया हुआ, ना अपनी बात को इस तरह स्क्रिप्ट किया हुआ है कि जिस वक्त मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ उस वक्त जो ड्राइंग्स आपको नज़र आ रही हो वो स्पेसिफ़िकली उन्हीं के बारे में हो। आपकी जो एक्चुअल ड्राइंग्स हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। रेंडरिंग की एक पहले असाइनमेंट हुई थी उसमें भी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा के एक्सप्लेन किया था कि आपकी कंपोजिशन में जो ओवरऑल लाइट एंड डार्क की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, टोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी इन्वायरमेंट का एक जो फीलिंग ऑफ डेप्थ है, या अगर आप एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसका एक फीलिंग ऑफ वॉल्यूम है, उसके लिए उसके स्पेसिफिक पार्ट्स की डिटेल्स के मुकाबले में ओवरऑल जो टोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एरिया में मोस्टली मिड टोन्स एग्जिस्ट कर रही हैं, कौन से एरिया में जो लाइट्स एंड डार्क्स हैं वो दूसरे एरिया के लाइट्स एंड डार्क्स के मुकाबले में कहाँ लाए करते हैं आपके टोन्स के जो ग्रेडियंट है उस पर। तो मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया था कि अगर आप हर एरिया को स्पेसिफिकली रेंडर करते हुए उसको बाकी सारी कंपोजिशन के मुकाबले में उसकी टोन्स को कंपेयर नहीं करते और हर डिटेल को बनाते हुए मैक्सिमम लाइट्स एंड डार्क्स अप्लाई करते हैं या मोस्टली वही टोन्स अप्लाई करते हैं तो ओवरऑल ड्राइंग जो है आपकी उसमें एक फीलिंग ऑफ डेप्थ और थ्री डायमेंशनैलिटी नहीं आएगी। ये होगा कि जो आप डिटेल्स बना रहे हैं चूंकि आप उसकी लाइट को शो करने के लिए मैक्सिमम लाइट अप्लाई कर रहे हैं, डार्क को शो करने के लिए ऑलमोस्ट मैक्सिमम डार्क अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी डिटेल्स बड़ी ड्रामेटिक बनेंगी। लेकिन ये कि उस पूरी कंपोजिशन में एक ओवरऑल सेंस ऑफ डेप्थ नहीं आएगी, सारी चीज़ें एक ही लेवल पे लगेंगी। तो कुछ लोगों की ड्राइंग में ये इशू आ रहा है कि उनके ड्राइंग जो है वो उसमें इंडिविजुअल फोल्ड्स तो बहुत सारे बहुत अच्छे रेंडर हुए हुए हैं लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ में टोनल वेरिएशन नहीं है। एक एक फोल्ड के विद इन अच्छी टोनल वेरिएशन दी हुई है, बड़ा ड्रामेटिकली उसको बनाया हुआ है। तो इन शॉर्ट ये कि अगर आप हर डिटेल के अंदर मैक्सिमम लाइट्स एंड डार्क्स अप्लाई करेंगे तो आपकी इंडिविजुअल फोल्ड्स और डिटेल्स तो ड्रामेटिक बन जाएंगी लेकिन आपकी ड्राइंग ओवरऑल फ्लैट लगेगी। हैविंग सेड दैट, आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने क्रम्पल्ड पेपर की जो रेंडरिंग है उसको बहुत सक्सेसफुली अटेम्प्ट किया है लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो भी मुझे बताना होता है। कुछ लोग जिनकी असाइनमेंट्स जो क्राइटेरिया मैंने अभी बताया है उसके हिसाब से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स में मोहम्मद बिलाल, फौजिया, अनुषा और हसनैन अब्बास की ड्राइंग्स हैं। आपकी जो आर्किटेक्चर को विजुअलाइज करने वाली असाइनमेंट थी उसके बारे में मेरे पास कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है। आई थिंक मोस्टली लोगों का काम बहुत अच्छा है और बहुत लोगों ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। मैं किसी स्पेसिफिक लोगों को मेंशन नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव एनीवन आउट।
आई थिंक ओवरऑल यू पीपल हैव डन वेरी वेल। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो फीडबैक है आपकी ऑनलाइन ड्राइंग क्लासेस के लिए ऑनगोइंग चीज़ होगी, तो इसके लिए अगर आप एक फॉर्मेट फॉलो कर लें कि अपनी ड्राइंग के बॉटम राइट कॉर्नर पे आप एक चिट रख के उस पर बड़ा बड़ा क्लियरली अपना नाम रोल नंबर लिख लें, या डिजिटली उसके बॉटम राइट कॉर्नर पे वो चीज़ें ऐड कर दें, तो दैट वुड बी वेरी गुड। क्योंकि मुझे बहुत लोगों की ड्राइंग्स में कहीं नाम लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा था, या ये कि बहुत छोटा लिखा हुआ था, उसकी वजह से मुझे नीचे आप लोगों के नेम्स जो है वो ऐड करने पड़े। एंड इट वाज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, और इसी प्रोसेस की वजह से बहुत से लोग जिनका काम लेट आया है वो मैं शामिल नहीं कर सका। तो आई वोंट बी डूइंग दिस नेम थिंग इन द फ्यूचर, मतलब आपके नाम जो है वो नीचे मैं ऐड नहीं कर रहा हूँगा। तो आप लोग काइंडली अपने नाम क्लियरली ड्राइंग के बॉटम राइट कॉर्नर पे किसी चिट पे रख के और फोटोग्राफ कर लें, या ये कि आप डिजिटली ऐड कर लें। क्योंकि अगर आपके नाम जो है ये फीडबैक वीडियो में क्लियरली नज़र ना आ रहे हुए, तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि ये किसकी ड्राइंग है। ड्राइंग के जो इमेजेस आप लोग भेजते हैं उसमें कुछ बेसिक चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं कि आपकी फ़ोटोग्राफ में आपका साया ना आ रहा हो और आपकी ड्राइंग को आपने सामने से फ़ोटोग्राफ किया हो। एक चीज़ ये है कि कुछ ड्राइंग्स ऐसी रिसीव हुई हैं कि जिनमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकती थी, कोई ड्राइंग्स हैं जो बहुत डार्क हैं, या ये कि उनमें कोई ऑड कलर आ रहा है कि वाइट पेपर के ऊपर पेंसिल में ड्राइंग है लेकिन जो इमेज है वो डार्क ब्लू रंग का है या डार्क ब्राउन रंग का है। तो आप विंडोज़ के जो फ़ोटो व्यूअर होता है उसी में ही आप एडिट की ऑप्शन खोल के उसको हल्का फुल्का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा अपनी ड्राइंग्स को एडिट करके भेजें। जनरली स्पीकिंग ये है कि आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो और उसमें बहुत कोई अनयूजुअल कलर भी ना आ रहा हो, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा एडिट भी ना हुई भी हो कि ऐसे लग रहा हो कि आपकी ड्राइंग के अंदर से रोशनी निकल रही है। पेपर के ऊपर पेंसिल में जो ड्राइंग होती है उसके कॉन्ट्रास्ट बहुत एग्जेजरेटेड भी नहीं होने चाहिए, कि बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल वाइट भी उसमें नहीं होता, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा डार्क इमेजेस भी ना भेजें। और अजीब कलर का अगर इमेज हो रहा है तो आप विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर जो होता है उसमें एडजस्टमेंट्स में जाएं, कलर की उसमें जो स्लाइडर बना हुआ होता है उसको ज़रा कम कर दें तो कलर की सेचुरेशन कम हो जाती है। जो आपकी ग्लास की ड्राइंग्स हैं उनमें जनरली काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और आई थिंक कि शायद ये पहले का काम है और उसके बाद अब आपका काम इम्प्रूव हुआ है, और वट एवर द रीज़न मे बी, मोस्टली लोगों की पेपर ड्राइंग्स जो हैं वो ग्लास ऑब्जेक्ट की ड्राइंग्स से बहुत बेहतर हैं। कुछ लोगों की ग्लास की ड्राइंग्स में पर्सपेक्टिव और आई लेवल के कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं कि ग्लास जो है वो बेसिकली अगर आप बिल्कुल टॉप से देखें तो वो सर्कुलर होता है, और मोस्टली लोगों ने उसे जिस एंगल से ड्रॉ किया है वहाँ पे उसकी सरफेस जो है वो ज़मीन के साथ हॉरिजॉन्टल है, और आप उसे जिस एंगल से देख रहे हैं वहाँ पे वो व्यूअर के सामने और आई लेवल से हल्का सा नीचे प्लेस हुआ हुआ है। ऐसे में जो ग्लास की टॉप सरफेस है वो व्यूअर के आई लेवल के ज़्यादा करीब होती है, और जो नीचे वाली सरफेस है वो आई लेवल से ज़्यादा नीचे होती है। ऐसे में एक फ्लैट टू डायमेंशनल सर्कल जो ज़मीन के लेवल के साथ हॉरिजॉन्टल है, जैसे कि ग्लास का टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस है, तो जो सरफेस आई लेवल के करीब होगी वो आपको ज़्यादा फ्लैट नज़र आएगी, और जो सरफेस आई लेवल से ऊपर या नीचे होगी वो सर्कुलर नज़र आएगी। लेकिन कुछ लोगों की ड्राइंग्स में इसका उलट नज़र आ रहा है कि जो सरफेस आई लेवल के करीब है उसमें कर्वेचर ज़्यादा है, और जो सरफेस आई लेवल से ज़्यादा नीचे चली जाती है वो फ्लैट हो जाती है। इन दी एंड आई वुड से कि जो काम हमें रिसीव हुआ है जनरली बहुत अच्छी क्वालिटी का है,
और आई डू होप कि ये फीडबैक भी आपके लिए यूज़फुल रहा होगा।